भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्मोत्सव पर न्यूज़पेपर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा विधान परिषद के कक्ष संख्या 77 में भारत रत्न सम्मान 2022 कुंवर मानवेंद्र सिंह सभापति विधान परिषद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेश सिंह प्रमुख सचिव विधान परिषद, डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश तथा सुशील दुबे चेयरमैन, नजम हसन अध्यक्ष, वक्कास वारसी मान्यता प्राप्त समिति के सचिव शिवसरन सिंह, अब्दुल वाहिद और जुबैर अहमद भी उपस्थित थे। इस सम्मान समारोह में डॉक्टर राजेश सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहा है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसी व्यक्तित्व आज की राजनीति में देखने को नहीं मिलता है। मैंने विद्यार्थी जीवन से देखने का प्रयास किया और उनसे मिला भी। आज़ादी की लड़ाई में भी अटल जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। वह एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी अनेक कविताओं का संग्रह भी जारी हुआ। अटल जी दूरदर्शी और प्रखर वक्ता थे। वह सरल भाषा में अपनी बात को रखते थे। वह देश के प्रधानमंत्री भी रहे और अटल जी का व्यक्तित्व प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करे, यह भी अटल सत्य है। डॉक्टर हरिओम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि अटल जी की छवि आम जन में एक कवि के रूप में ही दिखी। वह प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने आप को कवि कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। मैंने प्रशासनिक पद पर रहते हुए एक बार प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सभा का आयोजन किया और उसमें उनकी वाक्पटुता और सरलता देखने को मिली। वह किसी भी बात को बहुत ही सरलता से रखते थे और उनके अंदर आशावादी व्यक्तित्व हमेशा दिखाई पड़ता था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो जो बातें कहीं, आज वह सत्य हो रही हैं। अटल जी के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। संजीव, समस्त पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों को NPTI द्वारा अटल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। विधान परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए यह सम्मान प्राप्त करना गर्व का विषय है। इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, इस हेतु NPTI के समस्त टीम को साधुवाद देता हूँ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के आसमान के दीप्यमान ऐसे सूर्य हैं जो न सिर्फ अपनी आभा से भारत के गौरव को बढ़ाया बल्कि सुशासन को धार देकर देश के विकास को गति एवं लय प्रदान की। राष्ट्र सेवा के मूल्यों से उत्प्रोत अटल बिहारी वाजपेयी का सारा जीवन रहा है। तो ये जो जिंदगी की सिविलाइजेशन की फिलॉसफी है, मानवीय सभ्यता की सबसे बड़ी फिलॉसफी, एक लाइन में कहना होती है कि उम्मीद जगाने वाला काम। अगर आप उम्मीद नहीं जगा सकते तो एक रात है लंबी घनी अंधेरी सी, मैं एक धूप का परचम हूँ फहर जाऊंगा, मेरी किताब का एक शेर है। और उसमें दो चीज और कि भाई जो बोलते हैं और जो नहीं बोलते हैं दोनों का इतिहास बनाने में बड़ा योगदान है। तो मेरी तलाश है तारीख के सरमाए की, वो चंद लोग जो मुंह में जबान रखते हैं। तो एक तो ये है कि इतिहास वो लोग बनाते हैं जो सही मौकों पे सही बात बोलते हैं, और इतिहास वो भी बनाते हैं कि वो चंद लोग जो खामोश रह गए अक्सर, उन्हीं के दम से ये तारीख मुस्कुराएगी। तो हमें दोनों पे नजर रखनी है कि जो बोल नहीं पाते हैं उन पे भी नजर रखनी है और जो सही मौके पे सही बात बोलते हैं उन पे भी नजर रखनी है। मैंने 5 साल की उनकी सांसदी में बहुत नजदीक से देखा है, सुना है। काल के कपाल पर गीत नया गाता हूँ, लिखता हूँ, गाता हूँ। ये काल जयी गीत ऐसी थोड़ी, तो कवि लिख सकता है, कोई नेता कोई राजनेता नहीं लिख सकता, ये कवि लिख सकता है। और अटल जी स्वर्गीय अटल जी तो एक भारत रत्न, एक मोटे कपड़े का कुर्ता और मोटे कपड़े का धोती में जिन्होंने प्रधानमंत्री, संसद, विपक्ष के नेता, बीजेपी के जनक सब बना के निकाल दिया। एकमात्र मोटा खद्दर का बटेश्वर के गांव से निकला हुआ शख्स भारत रत्न हुआ के, ये हम देशवासियों के लिए बड़े गर्व का पल है, बड़े